मोहसिन फोन का छोड़ो ना, मेरी बात सुनो। अच्छा कहो। वो मैंने डॉक्टर सादिया से अपॉइंटमेंट ले लिया। इसे एक महीने में तुम तीसरी डॉक्टर को दिखाओगे। तो सोनिया आंटी कह रही थी बहुत अच्छी और मशहूर डॉक्टर है। हाँ समझ में नहीं आ रहा कि तुमको क्या हो गया। जब से तुमने खबर सुनी है कि जोया माँ बनने वाली है, तुम्हें सबर ही नहीं आ रहा। देखो मैंने तुम्हें समझाया, ये सब परवरदिगार की करम नवाजी है, किसी को जल्दी दे देता है किसी को देर से। चेकअप करवा के इलाज कराने में क्या हर्ज है? हाँ हर्ज तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारी शादी को कोई 10-20 साल हो गए जो मायूस हो जाए? थोड़ा सबर कर। मैं तो सबर कर लूं, मगर तुम्हारे घर वालों को सबर नहीं आ रहा। दिन रात मेरा मुकाबला जोया से किया जा रहा है, बांझपन के ताने दिए जा रहे। अब जोया तो खुशकिस्मत है, शादी के 1.5 महीने बाद माँ बनने वाली है, और मुझे देखो शादी के 1.5 साल बाद भी इस खुशी से महरूम हूँ मैं। अरे तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना, ये सब अल्लाह के काम है। भाई अब देखो जोया शादी के बाद फौरन माँ बनने वाली, तो इसमें क्या होगा? बस मुझे नहीं पता, अगर मैं माँ नहीं बनूंगी तो जोया भी माँ नहीं बनेगी बस। अरे 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 क्या पागल हो गई, ऐसी बातें नहीं करते। देखो तुम अपनी तकदीर से मत लड़ो, नुकसान उठाओगी। और तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ, ना मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं ना मैं तुम्हें ताने दे रहा हूं, तो फिर तुम क्यों परेशान कर रही हो खुद को? तुम्हारे घर वाले उनका क्या? उनको छोड़ दो, उनकी फिक्र मत करो, मैं उनको समझाऊंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। देखो साहिमा मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हौसले और सब्र से काम लो।